हम खुद नहीं है, हम यही अजीब लोग है। आज पर भी का हाजी पर भी कमीशन है। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह रोकने की कोशिश की अल्हम्दुलिल्लाह, इसलिए पिछले साल भी हज को सस्ता किया था, इस साल भी लगा हुआ हूं। लेकिन पाकिस्तानियों सुन लो, सुन लो, आइंदा हज महंगा होगा, और मेरी वजह से नहीं। मैंने वहां जाकर हजरत, मैंने वहां जाकर 1480 रियाल पिछले साल से हज को सस्ता बना दिया है, लेकिन पाकिस्तानी रुपया कुनवे के नीचे से भी नीचे चला गया है, तो मैं क्या करूं? तो बहुत परेशानियां हैं हजरत। हम सब ने जिम्मेदारी कबूल करनी है, हम सब ने जिम्मेदारी कबूल करनी है। तो अगर हमने जिम्मेदारी कबूल कर ली तो शायद पाकिस्तान को बचा ले। तो उस दहशतगर्दी से ज्यादा माशी दहशतगर्दी पर नजर जो है जमाना है, और इन दहशतगर्दों को सबक सिखलाना है, और करप्ट लोगों से हिसाब और एहतिसाब का निजाम मजबूत करना है। रियासत मदीना में एहतिसाब का निजाम था। थैंक यू। तो मेहरबानी, शुक्रिया कि आपने वक्त दिया। बहरहाल आखिर में मैं तमाम साथियों का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने मेरी बातें भी सुन ली। लेकिन आपसे यही दरख्वास्त करता हूं कि इन्हीं चीज़ों पर हमारी हुकूमत में बैठे लोगों का फ़र्ज़ बनता है कि हम इन नाजायज़ खोरों का, नाजायज़ मुनाफे में रुकावट बन जाए। अल्लाह ताला पाकिस्तान को इन बदउनवानियों से बचा ले। वह आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।